बच्चों, आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, एंड दैट इज़ लेंजेस लॉ। और ये लॉ अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स अगर ढंग से क्लियर हैं तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और आज हम लोग देखने वाले ये लॉ देखेंगे और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड। तो ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ EMF इज सच दैट, द डायरेक्शन ऑफ EMF इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब है कि EMF का डायरेक्शन ऐसे होता है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कॉज दैट प्रोड्यूस इट, मतलब EMF को जो प्रोड्यूस कर रहा है EMF उसी को अपोज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लॉ जो है वो EMF का डायरेक्शन बताता है हमें। डायरेक्शन इन द सेंस, ये लॉ हेल्प नहीं कर रहा है हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मतलब ऐसे कोई जैसे लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल ऐसा कोई रूल नहीं है। पर देखो कैसे पता चलता है, डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। सपोज ये कॉइल है और यहाँ पे हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, जब हम इसको मूव करते हैं तो दो चीज़ें कह सकते हो तुम लोग। एक या तो कह सकते हो कि मोशन ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट का जो मोशन है उसके वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल में, या आप कह सकते हो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ें कह सकते हो, दोनों से हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखो जब हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो जो है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मैग्नेट, या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक करती है उसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होता है या कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, EMF इंड्यूस्ड होता है। तो वो EMF का डायरेक्शन कैसे होगा, सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। अगर मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से यहाँ पे EMF आ रहा है तो वो EMF का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये इस मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। और मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज कैसे करेगा, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपल होगा और ये रिपल से फोर्स जो है मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप इस साइड से देखते हो, ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है वो नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है। तो नॉर्थ पोल का मतलब आप अगर इधर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, तो एक तो हम लोग ऐसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहाँ पे ये कॉइल है और ये बाहर मैग्नेट जो है ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से बाहर निकलेगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम मैग्नेट को इधर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी। अब EMF का डायरेक्शन कैसा होगा, इट विल अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। और यहाँ पे जो करंट इंड्यूस कर रहा है वो कौन है, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट इंड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे जो EMF होगा वो कैसे होगा कि इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, मतलब इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तभी वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके इस डायरेक्शन में है तो करंट आपका जो है वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब अगर आप इधर से देखोगे तो आपको लग रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और इस साइड से अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिक सी चीज़ें, हम लोग कोई भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस लॉ जो एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, उसमें नेगेटिव साइन आती है। ठीक है, और ये इक्वेशन आप लोगों को
देखो, जब न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड पूछा हो तो आप लोग माइनस साइन को हटा के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो, पर माइनस साइन आपको तब तब यूज़ करनी है जब जब आपका रिलेशन ग्राफ से हो तो। या तो आपको ग्राफ गिवन है या फिर आपको ग्राफ फाइंड करना हो, तो उस केस में आप लोग ये नेगेटिव साइन को याद रखोगे, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन ग्राफ या फिर कोई डायरेक्शन की अगर बात हो तो आप ये माइनस साइन जो है अपने दिमाग में रखना, फॉर्मूला में यूज़ करोगे, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट्स और तगड़े करेगा। बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ले रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि अभी हमने देखा, उसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई, इस बार हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल ले लेते हैं और ये साउथ पोल ऐसा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉइल है और ये कॉइल का जो आगे वाला पोर्शन है, मतलब अगर आप कॉइल को देख रहे हो तो आपको अपनी तरफ ये पोर्शन दिखेगा ऐसे, जैसे मान लो ए बी सी डी, तो ये ए बी सी पोर्शन जो है वो तुम्हारी तरफ है और ये ए डी सी पोर्शन जो है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बार मैग्नेट जो है इस तरफ मूव कर रहा है, तो देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है नॉर्थ से बाहर निकलती साउथ में अंदर जा रही है, मतलब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट की वो एक्चुअली अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है। पर जब ये इधर मूव करता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है, जो इस कॉइल को लिंक करने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस कॉइल विल इंड्यूस द करंट इन सच अ डायरेक्शन कि वो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। समझ में आ रहा है? लेंज लॉ ये कहता है कि EMF का डायरेक्शन या करंट इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है कि जो उसे पैदा कर रहा है उसी को अपोज करता है, और यहाँ पे उसको पैदा कौन कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रही है, क्योंकि ये बार मैग्नेट इसके पास जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको बढ़ेगी जो उसको लिंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगा कि इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसको अपोज करेगी, मतलब इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन होगा ये अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आप समझ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके इस डायरेक्शन में है तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि आगे वाला पोर्शन है तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ये ठीक है। इसको हम लोग जो है एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे बाहर मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये जो कॉइल है जिसमें ए बी सी डी, मैं बार बार बताऊंगा नहीं पर आप समझ जाना कि ए बी सी पोर्शन आपकी तरफ है और ए डी सी पोर्शन नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ, मतलब कॉइल अगर ऐसे घूम रही है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर ये नीचे डी, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट जब इस डायरेक्शन मूव करेगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे बनेगा साउथ पोल और इस साइड बनेगा नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड जाती है हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो बट ऑब्वियस है वापस इस लॉ के हिसाब से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। अब हम लोग जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। करंट वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है और ये करंट इंक्रीज हो रहा है। बच्चों ध्यान से सुनना, अब आप लोगों को जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, सुनते जाना बस, ठीक है। देखो करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है, हमें पूछा गया है कि ये जो कॉइल है इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, ठीक है, मतलब सॉरी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये करंट जो है ऊपर की तरफ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे से अंदर जाएगी इधर साइड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है उसको हम लोग नाम दे देते हैं B1, ठीक है। अब क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, अपोज करेगा मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में खुद की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, समझना है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर का डायरेक्शन ऊपर है तो करंट होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में है और ये करंट डिक्रीज हो रहा है,
करंट नीचे की तरफ जा रहा है और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे एक कॉइल है, तुम्हें पूछा है कि यहाँ पे कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखो करंट हो रहा है डिक्रीज, करंट ऐसे, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर अंदर जा रही है, तो इस साइड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आने वाली है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगी डॉट, और इसको नाम दे दिया B1। क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। अब फिर से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये नहीं चाहेगा कि, मतलब इट विल अपोज द कॉज, तो जो उसको पैदा कर रहा है कौन पैदा कर रहा है भाई, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे EMF आ रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, तो वो और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में भेजता है। समझ में? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो भी वो उसको अपोज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो भी उसको घटने नहीं देता, वो और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में भेजता है। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है B2 वो भी ऊपर वाला डायरेक्शन में हुई, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर है तो करंट फिर से हुआ तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो करंट यहां पर है I, और ये करंट है कांस्टेंट, और लूप हमारे पास यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस करंट, इस लूप में जो है करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज कांस्टेंट, भले वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी, बस दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1, दैट B1 इज कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF इंड्यूस्ड विल बी जीरो, एंड हेंस करंट इंड्यूस्ड विल बी जीरो, तो यहाँ पे नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। अब इसी केस को हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि करंट हमारा कांस्टेंट है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस करंट इज कांस्टेंट, ठीक है, और ये जो लूप है वो लूप इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी, तो क्या होगा। तो देखो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जाएगी, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, उसको नाम दे दिया B1। अब जैसे जैसे ये लूप इस डायरेक्शन में जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज μ0I/2πr। तो जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो ये दूर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो अपोज करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा मतलब वो और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में भेजेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाथ तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। हम लोग और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अब हम लोगों ने फिर से करंट को कांस्टेंट लिया है, और लूप इस बार मूव कर रहा है पैरेलल टू द वायर विद वेलोसिटी वी, ठीक है। अब देखो लूप अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमेशा उसका डिस्टेंस जो है वायर से, वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज μ0I/2πr, तो अगर तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये लूप से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रही है दैट मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो करंट इंड्यूस्ड इज ज़ीरो, तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है एक काम करते हैं, दो लूप ले लेते हैं, ये करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, एक लूप मैंने ऊपर लिया है एक लूप नीचे लिया है, ठीक है। अब तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप खुद से भी ट्राई करके बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर अंदर जा रही है और इस साइड बट ऑफ वैसे बाहर आएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है दिस इज B1, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है दिस इज B1, ठीक है। क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों बढ़ रही है, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लूप क्या करेगा, ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मतलब वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है। तो क्रॉस के अपोजिट डॉट हो गया, यहाँ पे डॉट के अपोजिट क्रॉस। अब यहाँ पे डॉट है मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ, और यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस मतलब नीचे की तरफ, तो करंट हुआ क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हो क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। सपोज कि ये लूप है, इस बार ये जो लूप है ना वो हमने ऐसा लिया है, और करंट हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं ले रहे हैं, अब करंट पेपर में ऐसे अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये आपका वायर है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है कैरिंग अ करंट आई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। लूप वायर आपका ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार से वायर है और उसके चारों तरफ एक कॉयल रखी हुई है, आपको पूछा है कि कॉयल में करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन दूँ उसके बाद आप लोग पॉज करके आंसर दे दिया करो, फिर चेक करो आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, करंट अंदर की तरफ जा रहा है और ये करंट जो है बढ़ भी रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी हम लोग बता देते हैं। अब ये करंट अगर बढ़ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, ऐसा आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, पर मैं आप लोग बता दूं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे घूमेगी। ठीक है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द कॉइल। अगर ये कॉइल आपके ऐसे रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर ऐसे 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 घूम रही है, वो उसको कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल को कट नहीं कर रही है तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज ज़ीरो, और फ्लक्स अगर ज़ीरो है तो करंट इंड्यूस्ड विल बी ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स ज़ीरो है तो EMF इंड्यूस ज़ीरो होगा, और EMF इंड्यूस्ड अगर ज़ीरो है तो करंट इज ज़ीरो। ठीक है, देखो हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा है कि मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से नॉर्मली कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो फ्लक्स नॉर्मली पास होना चाहिए कुछ फ्लक्स। ठीक है, जितना भी फ्लक्स नॉर्मली पास होगा हम लोग उसको फ्लक्स जितने भी फील्ड लाइन्स नॉर्मली पास होती हैं हम लोग उसको फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक भी फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल से नॉर्मली पास नहीं हो रही है तो फ्लक्स इज ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉइल रखा हुआ है और फिर से मैं यहाँ पे ए बी सी डी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन आगे ऊपर की तरफ है और ये पोर्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ, और ये जो बार मैग्नेट है ये इस बार इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो बार मैग्नेट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ में से बाहर निकलती है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड 3D में है। ठीक है, आप समझ रहे हो, जैसे मान लो इस पॉइंट से ऐसे फाउंटेन निकल रहा है तो वो सब जगह जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा इधर उधर सब जगह जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 3D में सब जगह जा रही है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो यहाँ से फाउंटेन जैसा जो निकल रहा है वो तो पूरे 3D में है, तो उसको कैसे भी घुमा दो दैट विल रिमेन सेम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को लिंक कर रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट। हम इसको कैसे भी रोटेट करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को लिंक कर रही है दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड हैंस फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट, हैंस EMF इंड्यूस्ड इज ज़ीरो। तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होने वाला है। अब हमारी जो कॉइल है, दिस इज ए बी सी डी, इस कॉइल को के पास हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, दिस इज नॉर्थ दिस साउथ, और ये बार मैग्नेट अब आप यूँ समझो कि इस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो देखो ये है आपका कॉइल, और ये कॉइल है सामने ऐसे, ठीक है, और ये बार मैग्नेट है।
अब या तो आप इसको ऐसे घुमा लो ऊपर की तरफ और ऐसे घुमा लो तो भी चलेगा, और अगर आप इसको ऐसे घुमाना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है। देखो यहाँ पे ये जो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बाहर आ रही है, और काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल को लिंक कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये रोटेट होगा तो इसकी पोजीशन जो है वो ऐसी हो जाएगी, नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, ये ऐसे घूम गया, ठीक है। अब जब नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल इधर है तो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अब इधर होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के इधर आती है, तो जो कॉइल से मैग्नेटिक फील्डिंग कर रही है वो चेंज हो गई है, या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा थी, जैसे इसने टर्न किया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल को लिंक कर रही, दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। जब ये और रोटेट होगा तो इधर साइड आ जाएगा साउथ और इधर साइड आ जाएगा नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड वापस उतनी ही है पर इस बार डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्योंकि जब साउथ पोल आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे करंट जो है वो कंटिन्यूसली एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं कर रही है तो वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करंट इंड्यूस होगा और वो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है एक और केस देख रहे हैं, और ये जो है आप लोगों को एम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे कॉयल रखी हुई है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे पास हो रहा है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। तो ऑप्शंस ऐसे हैं कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो उसकी जो करंट है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो करंट अगर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नज़दीक आता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटती है, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं करंट को अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ, और करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखो करंट ऐसे है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दिस इज P1। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली नज़दीक आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नज़दीक आ रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ ये कॉल क्या करेगी, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दिस इज B2। और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर है तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली लिख देते हैं कि इनिशियली करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब अब लेटर स्टेज पे जब इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो B1 जो है वो डिक्रीज हो रही है, B1 जो कि अंदर की तरफ है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ फिर से कॉल क्या करेगी, उसको और उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करेगी, क्योंकि डिक्रीज नहीं होने देगी वो। तो जो हमारी B2 है वो भी उस डायरेक्शन में अगर अंदर है तो करंट विल बी क्लॉकवाइज, तो इस बार करंट इज क्लॉकवाइज। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा भी नहीं पूछा था एम्स में कि आप बताओ कि पहले क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा भी नहीं पूछा था, सिर्फ ये था कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले एक डायरेक्शन है फिर दूसरे डायरेक्शन है, बस आपको डायरेक्शन भी बताना नहीं था, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बाहर मैग्नेट मूव कर रहा है और फिर से ये ABC जो है वो ऊपर की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है, और ये ऐसे आ रहा है। तुम्हें बोला है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी, ठीक है। हमें पता है कि जब ये टूवर्ड्स द कॉयल मूव करेगा तो कॉयल जो है इसके मोशन को अपोज करेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल और इस साइड बनेगा साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई तो करंट हुआ ऐसे,
मतलब बी ए डी, करंट ऐसे जा रहा है, ये बी ऊपर है फिर ए फिर डी नीचे है, ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पता करना होता है। नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि करंट जो निकलता है वो पॉजिटिव प्लेट में से निकलता है बैटरी के, तो वो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो वो ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई कॉइल है और बाहर मैग्नेट जो है उसको हम लोग फ्री फॉल करवा रहे हैं, दिस नॉर्थ पोल दिस साउथ पोल, तो पूछा है कि जो बाहर मैग्नेट है उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। तो बच्चों ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक्सेलरेशन के ऑप्शंस होते हैं लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, ठीक है, इक्वल टू जी या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जब भी ये बाहर मैग्नेट जो है फ्री फॉल करेगा तो ये जो कॉइल है उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो करंट ऐसे होगा कि वो इसको अपोज करेगा, मतलब यहाँ पे ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ बनेगा साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स उसका एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस होगा, तो आंसर जो है वो हो जाएगा लेस देन जी, ठीक है। और जब वो पास होगा यहाँ से तो ये नॉर्थ और साउथ ये नीचे की तरफ जा रहा है, उस केस में वो फिर से इस बार मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे साउथ नीचे जा रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ करेगा और ऊपर हो जाएगा साउथ, तो फिर से यहाँ पे भी जो है उसका लेस देन जी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। हाँ, पर अगर आपकी कॉइल जो है वो टूटी हुई है, ठीक है, और फिर बार मैग्नेट जो है वो आता है, दिस नॉर्थ पोल दिस साउथ पोल, तो उस केस में क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक है तो कोई करंट इंड्यूस होने वाला नहीं है, करंट विल बी ज़ीरो, और करंट इंड्यूस नहीं होगा तो ये फ्री फॉल करेगी आराम से, बार मैग्नेट ऐसा जाएगी विद एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, ऊपर भी जी नीचे भी जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेंज़ लॉ से रिलेटेड इतने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये काफ़ी इनफ होगा आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट मेंशन करना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।